पता है दोस्तों कि हमारा शरीर 30 मिनट के अंदर में इतना हीट निकालता है कि वो 1.5 लीटर वाटर को भी वो बॉयल कर सकता है। आज आप इस वीडियो में ऐसे वंडरफुल फैक्ट्स के बारे में जानोगे कि आप ऐसे फैक्ट्स के बारे में सोच भी नहीं सकते। क्या आपको पता है दोस्तों कि हमारे शरीर में इतना काफ़ी आयरन है कि हम 3 सेंटीमीटर एक आयरन नेल भी क्रिएट कर सकते हैं। फैक्ट नंबर 24, क्या आपको पता है दोस्तों कि एक ब्लैक होल 11 डेसिबल का साउंड निकालता है जो कि पूरी गैलेक्सी मिलाकर नहीं निकाल सकता, वो अकेले ब्लैक होल निकाल देता है। नंबर 23, क्या आपको पता है दोस्तों कि सिलिनियम नाम का एक ऐसा मेटल है जो कि लाइट होने पर वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है पर अंधेरे में वो इंसुलेटर का काम करता है। नंबर 22, क्या आपको पता है दोस्तों कि हमारा शरीर आधे घंटे में इतना हीट प्रोड्यूस करता है कि वो 1.5 लीटर वाटर को भी बॉयल कर सकता है। 21, क्या आपको पता है दोस्तों कि हमारा अर्थ का सरफेस जो है अर्थ के कोर के कंपेयर में 2.5 ईयर पुराना है और अर्थ का कोर हमारे अर्थ के सरफेस के कंपेयर में 2.5 ईयर यंगर है। सब टाइम डाइल्यूशन है, कमाल है। 20, क्या आपको पता है दोस्तों कि वोयेजर 1 नाम का एक स्पेसक्राफ्ट जो कि अर्थ से लगभग 21.7 बिलियन किलोमीटर दूरी पर है और वो हमारे नासा से लगभग 32 आवर लगता है कम्युनिकेट करने में, वो मानव इतिहास का सबसे लंबा सफ़र करने वाला पहला स्पेसक्राफ्ट है। क्या आपको पता है दोस्तों कि जर्मन में लोग 46 घंटा का सफ़र तय करके अलग टाइम जोन में जाकर अपने बर्थडे को सेलिब्रेट करते हैं। क्या आपको पता है दोस्तों कि इक्वालिटी और इक्विटी में क्या फ़र्क है? इक्वालिटी जो होता है वो इंसान को सेम थिंग प्रोवाइड करता है पर इक्विटी जो होता है वो इंसान को जैसे भी अवस्था में निष्पक्षता प्रदान करता है, जैसे आप फिगर में देख सकते हैं। नंबर 17, क्या आपको पता है दोस्तों कि जब आप सूरज या चंद्रमा के चारों ओर एक प्रभा मंडल देखते हो यानी कि हेलो जैसे आप फिगर में देख रहे हो, इसका मतलब वहाँ पर बहुत भारी तूफान आ रहा है। क्या आपको पता है दोस्तों कि लैम्बोर्गिनी गोलार्डो जो है वो 0 से लेके 40 माइल पर आवर तक चल सकता है 2.4 सेकेंड में और उसी तरह चीता भी वो डिस्टेंस सिर्फ और सिर्फ 2 सेकेंड में पार कर सकता है। सोचिए दोस्तों, चीता जितना ही फास्ट वो लैम्बोर्गिनी गोलार्डो भी चल सकता है। क्या आपको पता है दोस्तों कि $1.5 मिलियन का सबसे एक्सपेंसिव डॉग जिसका नाम टीवेन मस्टिफ है जो कि वो 76 सेंटीमीटर लॉन्ग है और 73 kg उसका वेट है। नंबर 14, क्या आपको पता है दोस्तों कि मानव इतिहास में सबसे ज़्यादा बिकने वाले 3 चीज़ क्या है? सबसे पहले आईफोन है, उसके बाद हैरी पॉटर बुक है और उसके बाद रूबिक क्यूब है। दोस्तों की ईफिल टावर बनाने में सबसे पहले 300 वर्कर और 18,038 पीस ऑफ आयरन और 2.5 मिलियन रिवीट्स लगा था। फैक्ट नंबर 12, क्या आपको पता है दोस्तों कि हमारे लिए प्रेजेंट में 6 महीने तक लगातार ऑक्सीजन क्रिएट करने के लिए $38 ट्रिलियन लग सकता है पर आश्चर्य की बात तो ये है कि हमारे लिए ट्री फ्री में ऑक्सीजन दे रहा है। क्या आपको पता है दोस्तों, जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं जुपिटर में एक रेड स्पॉट, वो एक स्पॉट ही नहीं वो बल्कि सोलर सिस्टम में आने वाले सबसे बड़ा तूफान है और वो लगभग अर्थ के 2 गुना डायमीटर में फैला हुआ है और अनुमान लगाया गया है कि वो 20 साल तक चलने वाला है। 10, क्या आपको पता है दोस्तों कि कैट से लगने वाला फेयर को कहते हैं एलोरोफोबिया। एंड क्या आपको पता है दोस्तों कि क्रोकोडाइल कभी ओल्ड एज के कारण नहीं मरता, वो बल्कि जितना खाता है उतना ही वो ग्रोथ करता है और एक दिन वो खाने की कमी के कारण मरता है और या उसे कोई डिजीज मारता है या कोई उसे मारता है तभी वो मरता है, वरना वो ओल्ड एज के कारण कभी नहीं मर सकता। फैक्ट नंबर 8, क्या आपको पता है दोस्तों कि 1 मिनट में कितना कुछ होता है? 108 लोगों का मौत होता है, 258 बेबी का जन्म होता है, 46,800 फोटो इंस्टाग्राम में अपलोड होता है, 36,08,640 मिलियन सर्च होता है गूगल में, 41,47,000 वीडियो व्यू किए जाते हैं यूट्यूब में और दोस्तों 15 लाख ईमेल सेंड होता है 1 मिनट में। दोस्तों सोचिए कितना कुछ होता है। क्या आपको पता है दोस्तों कि चाइना एक आर्टिफिशियल सन लॉन्च करने वाला है जो कि रियल सन से लगभग 13 गुना गर्म होगा और ये 2020 में लॉन्च हो सकता है। नंबर 6, क्या आपको पता है दोस्तों कि जो आप सोच रहे हैं लार्जेस्ट डेजर्ट, वो रियल में लार्जेस्ट डेजर्ट नहीं है क्योंकि अंटार्कटिका में टोटल
ड्रिंकिंग वाटर में से 90% ड्रिंकिंग वाटर अंटार्कटिका में है, वो जो कि दुर्गम ठाव में है अंटार्कटिका का। और क्या आपको पता है कि अंटार्कटिका में एक साल में 2 इंच से भी कम पानी पड़ता है, उसीलिए इसे वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट रिजॉर्ट का माना गया है। नंबर 5, क्या आपको पता है कि हमारा अर्थ सैटर्न से ऐसा ही दिखता है जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे हो। क्या आपको पता है दोस्तों कि 2011 में जापान में एक सुनामी आया था, और उसमें जो रेडिएशन जो फॉल आउट होता है इन्वायरमेंट में, उसी से बचने के लिए जापान में सनफ्लावर का यूज़ किया जाता है। 3, क्या आपको पता है दोस्तों कि जब हम वाटर के अंदर में वाटर बबल्स और साउंड वेव को एक साथ कोलेप्स करेंगे तो लाइट प्रोड्यूस होगा, पर लाइट क्यों प्रोड्यूस होता है वो आज तक मिस्ट्री बना हुआ है। आपको पता है दोस्तों कि जो आप स्क्रीन पर देख रहे हो ये अवार्ड विनिंग पिक्चर है। वन से पहले अगर ये चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक नहीं किए तो लाइक कर लीजिए, और ये इन्फॉर्मेशन को चारों ओर शेयर कर दीजिए, और हो सके तो अच्छे कमेंट भी करिए। क्या आपको पता है दोस्तों कि जो आप पिक्चर स्क्रीन पर देख रहे हो इसे आप नज़दीक से देखिए कैसा लग रहा है, किसी मॉन्स्टर जैसा लग रहा है, और इसी पिक्चर को आप थोड़ी फिर दूर से देखिए ये कैसा लग रहा है, ये आप कमेंट करके मुझे बताइए कैसा लग रहा है।